नमस्कार मंडली। सो ये जो वीडियो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए जिनको भी अपना करियर आईटी में बनाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जेई का एग्जाम दिया रहेगा, सीटी का एग्जाम दिया रहेगा या बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया रहेगा इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, राइट। लेकिन बहुत लोग का जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया है और उनको लग रहा है कि उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और बहुत लोग का जो है फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं है कि जो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाए, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का फीस है वो 1 ईयर का है 1 लाख। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले पाए। तो क्या उनका आईटी में करियर बनाने का सपना टूट जाएगा? जी नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग से ही आईटी में करियर नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे और भी डिग्री ऑप्शन है जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर आईटी में बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कौन कौन सी ऐसी डिग्री है जिसमें आप एडमिशन लेके अपना करियर आईटी में बना सकते हो? तो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली है, हम एकदम टॉप से स्टार्ट करेंगे, बीटेक, राइट, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और सबसे टॉप के कॉलेज कौन कौन से बीटेक के लिए? आपका आईआईटी है, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता तो बच्चे जाते हैं एनआईटी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एनआईटी में भी एडमिशन नहीं मिलता तो जाते हैं IIIT, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जो बीटेक की डिग्री होती है वो होती है 4 साल की, राइट। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ता है जेई का एंट्रेंस एग्जाम। और जेई का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कितने सारे बच्चे देते हैं? अराउंड 12 लाख। इस साल अराउंड 10 से 12 लाख बच्चों ने अपियर किया था जेई के एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि कितनी सीट अवेलेबल है आईआईटी और एनआईटी और IIIT मिला के? अराउंड 57,000 to 60,000 सीट अवेलेबल है। 12 लाख में से सोचो सिर्फ 50,000 से 60,000 बच्चों का एडमिशन होने वाला है इंजीनियरिंग में, यानी कि आईआईटी, एनआईटी और IIIT। बाकी जो बच्चे 11.5 लाख वो आगे जाके अपने करियर में कुछ नहीं कर सकते। उनका अगर ये कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो उनका आईटी में करियर बनाने का सपना टूट जाएगा। जी नहीं, सिर्फ आईआईटी, एनआईटी, IIIT से ही आप आईटी में करियर नहीं बना सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे डिग्री ऑप्शंस हैं आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑब्वियसली आप बीटेक कर सकते हो और भी अलग कॉलेज से, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं जो आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जो जेई के बेसिस पे ही आपको एडमिशन दे देते हैं, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र सिटी होता है, MST CET होता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर बीटेक डिग्री नहीं मिलता तो और कौन सी डिग्री आपके पास? बी डिग्री आता है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी 4 साल की डिग्री होती है। तो क्या जो बी की डिग्री है बीटेक से कम होती है, उसका वैल्यू कम होता है? जी नहीं, 1-2% का फर्क होता है सिलेबस में। बाकी जो बी वाला बंदा और बीटेक वाला बंदा वो सेम जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो दोनों की जो वैल्यू होती है मार्केट में सेम है। तो बी जो होते हैं वो भी बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं वो जेई के बेस पे ही आपको एडमिशन दे देते हैं, या फिर उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे MST CET के बेस पे भी ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है महाराष्ट्र के। वैसे ही अलग अलग स्टेट के अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपने अपने एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो आप पता कर लेना और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ ये हो गया इंजीनियरिंग, यानी कि 4 साल की डिग्री की बात। तो क्या इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं आईटी में जा सकता हूँ? जी हाँ, जा सकते हो, और भी बहुत सारे डिग्री के ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको बी में नहीं होता है, बीटेक में नहीं होता है, तो उसके बाद आपको डिग्री ऑप्शन मिलता है BSc CS, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, CS। ऑलराइट, BSc CS में कौन एडमिशन ले सकता है, कौन एलिजिबल है? तो जो पहले बता दूं आपको, जो BSc CS होता है ये 3 साल का होता है। इसमें एडमिशन बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे कॉलेज में होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, मेरिट के बेसिस बेसिकली एडमिशन होता है। और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? जो साइंस वाले स्टूडेंट है ना, वही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने PCMB या PCB या PCM लिया तो वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए। आपने साइंस लिया तो आप BSc CS कर सकते हो, या फिर इसके बाद क्या ऑप्शन आता है, BSc IT, ठीक है। तो BSc IT भी कितने साल की डिग्री है? 3 साल की डिग्री है, ऑलराइट। और इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें भी मेरिट के बेस पे होता है। बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं BSc CS और BSc IT मोस्टली मेरिट के बेस पे होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑलराइट। वो एग्जाम देने के बाद वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो वो आपको पता करना है कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। BSc IT के लिए आपका जो 11th 12th होना चाहिए वो मैथ्स होना चाहिए। इसमें साइंस वाले स्टूडेंट तो एलिजिबल होते ही हैं, लेकिन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उनका भी मैथ्स होता है। ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि अगर आपको भी आईटी में करियर बनाना है, अगर आपने मैथ्स लिया था 11th 12th में, तो आप BSc IT में एडमिशन ले सकते हैं। तो BSc IT और BSc CS होता है 3 साल का। तो इसकी क्या वैल्यू जो होती है वो इंजीनियरिंग के जो डिग्री होती है 4 साल की, बी और बीटेक, उससे कम होती है? जी नहीं, इसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होता है जॉब में, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा नहीं,
लेकिन मेरे हिसाब से इनकी वैल्यूज होती है ना ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। देखो बीएससी आईटी और बीएससी सीएस कितने साल की होती है, 3 साल की, राइट। और जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है 4 साल की। 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है प्लस 1 साल आप यहाँ पे जॉब करते तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। 3 साल डिग्री हो गई, 1 साल एक्सपीरियंस हो गया। तो यहाँ पे आप जब तीनों ये 4 साल आपको मिलाओगे 1 साल का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होता है मार्केट में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ज्यादा ही हो जाता है एज कम्पेयर टू बीई बीटेक, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा होती है मार्केट में एज कम्पेयर टू जो फ्रेशर होता है। ऐसा नहीं मानना है कि आपको बी जो बीएससी आईटी और सीएस की डिग्री होती है वो उसकी वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू बीई बीटेक। 2-3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ना देखो मार्केट में आपकी डिग्री नहीं पूछी जाती, फिर आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल के बेस पे आपको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाता है। और एक लेवल पे ऐसा आएगा कि आईआईटी वाले और जो बीटेक वाले बीई वाले और जो बीएससी आईटी सीएस वाले साथ में काम करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। मैंने भी बीएससी आईटी किया और मेरा भी अच्छा खासा पैकेज है, मैंने भी आईआईटी वालों के साथ काम किया है और बीई बीटेक वाले जितने भी डिग्री वाले उनके साथ काम किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक एक्सपीरियंस होने के बाद आपको लगता है कि सब एक लेवल पे आ गए। ऑलराइट, थोड़ा स्टार्टिंग में पैकेज का ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बीएससी आईटी सीएस वालों को थोड़ा कम पैकेज मिलता है। अब जो आईआईटी में जा रहा है ऑब्वियसली उनको थोड़ा ज्यादा पैकेज मिलेगा क्योंकि नाम इतना ज्यादा है, राइट। लेकिन आप भी स्विच मार के एक लेवल पे ऑलमोस्ट सेम हो जाता है जब आप अपने स्किल्स को और डेवलप करते हो। अगर आप स्किल पे काम करते हो तो एक लेवल पे आपको भी वैसे पैकेजेस मिल जाते हैं। और ऐसा होता है ना बीएससी आईटी सीएस वाले भी सेम जॉब्स के लिए बाहर से अप्लाई कर सकते हैं जो आईआईटी वाले अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद बीएससी आईटी बीएससी सीएस अगर इसमें भी एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो आजकल बढ़ गया है, तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है बीसीए का, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बीसीए का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, आप मतलब डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इसमें भी मेरिट के बेस पे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ वो ले लेते हैं, या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम देके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है मोस्टली। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 80% कॉलेज में यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। और इसका भी सिलेबस आप देखोगे तो जो भी C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, ये सब के बेसिस पे सिलेबस होते हैं। और बीसीए वाले स्टूडेंट भी सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाहर से जो बीएससी आईटी बीएससी सीएस बी और बीटेक वाले करते हैं, ठीक है। आपका स्किल यहाँ पे मैटर करता है। देखो आईटी में ना, आईटी में जो जॉब्स होते हैं ना वहाँ पे स्किल मैटर करता है। अगर आपकी स्किल काफ़ी अच्छी है, आपने बीसीए किया है, ठीक है, और एक आईआईटी वाला बंदा है जिसने कुछ नहीं पढ़ाई किया है, उसके स्किल्स है ही नहीं, कुछ जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो आईआईटी में वो माहौल होता है, वैसे कंपटीशन होता है, उतना कॉम्पिटिटिव माहौल होता है कि लोग पढ़ाई करते उतना आप स्किल पे काम करते, तो वैसे आपने भी अगर अपने स्किल्स पे काम किया तो आप भी वो सारे जॉब पे अप्लाई कर सकते हो और आप भी उस लेवल के पैकेज उठा सकते हो बाहर से बीसीए। उसके बाद एक और ऑप्शन आते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि उसके बाद काफ़ी अच्छे और भी ऑप्शंस उनको मिलते हैं, जैसे कि जो बीएससी आईटी और बीएससी सीएस 3 साल का डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई कोई चीज़ों के लिए जैसे आपको बाहर जाना है, एमएस करना है बाहर जाके, तो वहाँ पे 4 साल की डिग्री वहाँ पे मांगी जाती है क्योंकि आपके 4 साल का एजुकेशन, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी आईटी बीएससी सीएस और बीसीए उस केस में थोड़ा सा कम पड़ जाता है 1 साल का, उसके लिए लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बीएससी आईटी बीएससी सीएस और बीसीए करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और आईटी में जॉब करना है तो उसके लिए आप कर लो एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। और एमसीए अब बता दूं कि आप कहाँ से कर सकते हो, एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपके पास एक और चांस है, आप एक बड़े यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है निमसेट, ठीक है। निमसेट एंट्रेंस एग्जाम दे के आप एलिजिबल हो सकते हो एमसीए के लिए, वो भी एनआईटी से, ठीक है। तो बीएससी आईटी बीएससी सीएस और बीसीए वाले स्टूडेंट का क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमसीए कर सकते हैं। तो बीएससी आईटी बीएससी सीएस और जो बीसीए होता है 3 साल का होता है और एमसीए भी 3 साल का होता है, यानी कि 6 साल की आपकी डिग्री हो जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप एनआईटी से एमसीए करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद और भी कॉलेज होते हैं वो आपको एमसीए प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए बीआईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कॉलेज में एमसीए प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए आपको महाराष्ट्र एमसीए सीटी देना पड़ता है। और एक और चीज़ बता दूँ, महाराष्ट्र में जो मोस्टली कॉलेज है ना वहाँ पे एमसीए सिर्फ 2 साल का है, एमसीए भी सिर्फ 2 साल का है महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेज। और भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको एमसीए करना है तो आप CUET करके यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, ओके, पीजी एग्जाम टेस्ट होता है एक्चुअली, उसके थ्रू भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एमसीए प्रोवाइड किया जाता है और एमसीए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बीएससी अगर आपको 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है और बाहर जाके आपको कुछ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे एमसीए कर सकते हो। और एक ऑप्शन आता है बीएससी आईटी और सीएस के बाद एमएससी आईटी, लेकिन एमएससी आईटी के बाद जॉब के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं होता है एक्चुअली। अगर आपको बीएससी आईटी बीएससी सीएस जैसे कॉलेज और बीसीए वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है कॉलेज में जाके,
आप एमएससी आईटी कर लो और आराम से आपको टीचिंग का जॉब मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस है आपको डिग्री के, जिसके थ्रू आप अपने आईटी में करियर बना सकते हो। और एक चीज बता दो यार, देखो डिग्री ना एक पॉइंट के बाद इतना मैटर नहीं करता, मैंने ऑलरेडी बोला। एक दो साल का एक्सपीरियंस होने के बाद डिग्री इतना मैटर नहीं करता, आपका स्किल मैटर करेगा। ठीक है, आप अगर आपने एक दो साल में अपना स्किल डेवलप कर लिया, ठीक है, तो आपको जो पैकेजेस मिलते हैं ना, बड़े बड़े पैकेजेस आईआईटी वहां से, तो आप वो क्रैक कर सकते हो एक दो साल के बाद आराम से। तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है आपको, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में। आपको सिर्फ आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या क्या ऑप्शन आपको फिट बैठ रहा है, अपने हिसाब से फिट बैठ रहा है वो कर लो। ठीक है, मैंने भी बी एस सी आई टी और एम सी ए किया है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं कि एम सी ए के बेस पे ही सारे जॉब मिले। ठीक है, मेरे को लग रहा था बी एस सी आई टी के बेस पे भी एक दो साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बी एस सी आई टी के बाद भी मैं ये सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन मैंने कर लिया, मुझे पढ़ना था और आगे मैंने बोला बी एस सी आई टी एम सी ए कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। तो एक आपको क्या करना है, इस ये वीडियो से अगर आपको कुछ भी थोड़ा नॉलेज मिला हो, कुछ भी हेल्प मिला हो, तो आपको इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना है, कमेंट कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि जैसे आपको डाउट है वैसे आपके दोस्तों को भी तो डाउट होगा। जितना हो सके यार वीडियो शेयर करो और दोस्तों को भी बोलो और शेयर करने के लिए। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।